हे गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल खोवाल व्लॉग्स में। आप मेरे पीछे किचन देख रहे हैं, ये मेरी घर की किचन है। आज मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ, चिकन कोरमा की रेसिपी। एक्चुअली ये चिकन कोरमा मैंने बनाना सीखा है, एक मेरा क्लीग है ऑफिस में, उसने मेरे को ये चिकन कोरमा की रेसिपी बताई है। पहले हम ऐसे ही जैसे देसी गाँव में बनाते थे चिकन, पानी डाल के और मसाले वसाले डाल के, उसमें और इस वाले चिकन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने इसको ट्राई किया है कम से कम 10 बार, और हमने जब बच्चों ने चिकन खाया तो वाकई टेस्ट के मामले में औसम। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चिकन 1 किलो हमने लिया है, 1 किलो चिकन में हमें आधा किलो प्याज चाहिए। तो आधा किलो चॉप्ड, बारीक चॉप्ड प्याज हैं, उसको हम भुनेंगे सुनहरा होने तक। बाकी के मसाले मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस जी, आपने देखा कि हमने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। लगभग 100 ग्राम हमने सरसों का तेल लिया है और आधा किलो प्याज कटी हुई है, इसको हम भूनेंगे अभी। अब गाइस हम लेंगे लहसुन 50 ग्राम और 50 ग्राम अदरक। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका हम पेस्ट बनाएंगे मिक्सी में। आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मसाले, खड़े मसाले, साबुत मसाले कितनी क्वांटिटी में हमको डालने हैं। सबसे पहले ये 3 पत्ते तेज पत्ते के हैं, उसके बाद लगभग 1 इंची के 6 पीसेस सिनेमन स्टिक है, उसके बाद 6 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची, उसके बाद 8 छोटी इलायची, उसके बाद 1 छोटा सा पीस जायफल का है, ये लगभग 20 से 22 काली मिर्च। अभी हमारी अनियन जो है भुन रही है सुनहरी होने तक, अभी इनका कलर पूरा सुनहरा नहीं हुआ है, जलनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना है जलाना नहीं है इनको। और जैसे ही इनका कलर सुनहरा होगा वैसे ही हम इनको निकाल लेंगे। ये 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन, अब इसका पेस्ट बनाएंगे। तो गाइस अब ये सुनहरी कलर की हमारी ऑनियन हो चुकी है, अब इसको एक थाली में निकाल देंगे। तो गाइस ये चिकन हमने साफ करके 1 किलो चिकन धो के रख लिया है। अभी जो मसाले मैंने आपको मिक्सी में उसको फेंटना है हमको। तो गाइस अब चिकन को धीमी आंच पे पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ है। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है, लस्सी भी नहीं है।
तो गाइस इसने हमारा चिकन भुन रहा है, अब हम तैयार करते हैं जो अनियन सुनहरी करके हमने रखी हुई है वो ठंडी हो चुकी है। अब उस अनियन को अब हम मिक्सी में डाल के बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। गाइस ये आपको ध्यान रखना है, जो दही आप लोगे ना, जो कर्ड आप लोगे वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। ये हम प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया है, सुनहरी हो गई थी प्याज, उसका ये पेस्ट बन गया है। इसको हम एक कटोरी में डाल के अभी फिलहाल के लिए रख देंगे। ये आप देखिए चिकन में पानी, अपना चिकन धीरे धीरे पानी छोड़ रहा है और इसमें पक भी रहा है धीरे धीरे। अब इसको ऐसे ही ढक देंगे थोड़ी देर, कम से कम 10 मिनट हम इसको ऐसे ही ढक देंगे। अभी हम इसमें स्वादानुसार नमक और मिर्ची डालेंगे। तो गाइस अभी चिकन को पकते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम धनिया, पिसा हुआ धनिया। हम इसमें 5 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे। तो गाइस ये हमारा चिकन धीमी आंच पे पक रहा है और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल मसाला जैसे सुनहरा हो जाता है ना, पूरा सुनहरा हो जाएगा, इसका पानी सारा जल जाएगा। गाइस बीच बीच में हमें चिकन को चलाते रहना है ताकि नीचे तले में लगे ना और जले ना। और खुशबू आनी बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो गई है चिकन की, मसालों की। ये आप देख सकते हैं कि हल्का सुनहरी रंग आना स्टार्ट तो हो गया है। तो गाइस ये हमने ले लिया 1 चम्मच जीरा। अगर आपके पास पिसा हुआ जीरा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप पीस सकते हैं और पीस के हम इसको डालेंगे। इसको बहुत हल्के से हमें चलाते रहना है क्योंकि अभी ये बिल्कुल इसका कलर जो है गाइस आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनहरी हो चुका है, ये देखिए। क्योंकि अगर आपने अभी इसको काफ़ी देर तक ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे जल जाएगा, लग जाएगा, और बहुत धीरे से आपको चलाना है। लगभग 20 मिनट तक हमने, 20 से 25 मिनट तक हमने इसको पकाया था। अभी हम इसको चेक करेंगे कि कितना पक चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि हमने मैश किया हुआ दही है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से हो जाना चाहिए। पानी इसका जल चुका है और बिल्कुल चिकन का सुनहरी रंग हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका पानी लगभग सारा जल चुका है, सिर्फ मसाला बचा हुआ है इसमें, और 80% के आसपास ये चिकन भी गल चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दही ऐड होने के बाद इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा और हल्का वाइटिश वाइटिश हो जाएगा इसका कलर। ये आप देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से कलर इसका हो गया है। इसको हम लगभग 10 से 20 मिनट तक इसको हम अभी और इसी तरीके से पकाएंगे। इसका अचानक एकदम कलर लगभग 10 मिनट बाद एकदम सुर्ख लाल हो जाएगा। तो गाइस अभी चिकन को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं आपको इसका कलर दिखाता हूँ, बहुत सुर्ख कलर आ गया है। और अभी साथ ही साथ डालेंगे जो हमने अनियन का जो पेस्ट बनाया है उसको हम डालते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि गैस को तेज़ नहीं रखना, बिल्कुल 0 पॉइंट पे रखना है और धीमी आंच पे चिकन को पकाना है। ये हम डाल रहे हैं अनियन का पेस्ट जो हमने बनाया था। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा कलर आया है, कितना सुर्ख कलर आया है, और खुशबू के तो वाह कहने ही क्या है। अब इसको 10 मिनट धीमी आंच पर और चलने देंगे और हमारा जो चिकन है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। गार्निश करेंगे धनिया से और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 3 चम्मच केवड़ा जल। तो गाइस लगभग 15 मिनट हो चुके हैं जो अनियन क्रश की थी उसको डाले हुए। अभी इसमें हम डालते हैं लगभग 3 से 4 चम्मच केवड़ा जल। एक आइडिया से हम ले रहे हैं, आप जो टीस्पून है उसका एक आइडिया ले सकते हैं। 4 चम्मच आप डाल सकते हैं 1 किलो चिकन में, एनफ डाल दो। और उसके बाद हम घर में कुटा हुआ गरम मसाला है
इसमें एक चम्मच एक टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। ये हमने गरम मसाला इसमें डाल दिया। उसके बाद 5 मिनट बाद इसको बंद कर देंगे और इसको गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया और खुशबू के तो कहने ही क्या है। तो गाइज हमारा चिकन कोरमा एकदम रेडी हो चुका है और खुशबू के तो क्या कहने हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको टेस्ट पता चलेगा। अभी तैयारी हो रही है सर्व करने की, तो अब इसको एक कढ़ाई में डालते हैं सर्व करने के लिए। गाइस आप देख रहे हैं कि एकदम सुर्ख कलर हो गया है इसका और पीस एकदम गल चुके हैं। इस प्रोसेस में यानी कि इस चिकन कोरमा को बनाने में मेरे को लगभग 1.5 घंटा लगा है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से बना है ये। ये आप देखिए इसका कलर। और अभी इसके ऊपर हमने जो हरा धनिया है वो काट के रखा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से एक बार चिकन कोरमा बनाकर जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल अनिल खवाल व्लॉग्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर किसी को चिकन कोरमा बनाना नहीं आता तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्लॉग में।